हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के मंगोड़े। कई जगह पर इसे भजिया भी बोलते हैं। सर्दियों में और बारिश के मौसम में चाय के साथ ये गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो आपने इसे कई बार बनाया होगा, पर एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप इस रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। मंगोड़े बनाने के लिए ये मैंने एक कप मूंग की धुली हुई दाल को वॉश करके 3 से 4 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी गल गई है, नाखून से दबाने पर ये टूट भी रहे हैं दाने इसके। तो इसको हमने अब पीसना है, तो इसके लिए हम इसमें से सारा पानी निकाल कर फिर इसको मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। इसे हमने बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा सा दरदरा रखना है। दाल को मैंने पीस लिया, इसके लिए अब मैं एक बाउल ले लूँगी, इसमें डाल लूँगी दाल। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आपको थोड़े से दाने से दिख रहे होंगे साबुत। तो इस तरह से ही आपने दाल को पीसना है, हल्के हल्के से इसमें साबुत दाने भी हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। तो एक प्याज को मैंने चॉपर में बारीक काट कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर में ही बारीक कर लें या फिर नाइफ से थोड़ा छोटा छोटा सा काट लें। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्च छोटी छोटी काट कर, और ये मैं थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ काट कर। अगर आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है एक कच्चे आलू को ग्रेट करके। इस तरह से आलू को ग्रेट करके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मंगोड़े में, बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। तो आप इस तरह से कच्चे आलू को ग्रेट करके ज़रूर डालकर एक बार बना के देखें, बहुत ही अच्छे बनेंगे मंगोड़े। आलू को मैंने ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट करके फिर पानी में डाल के रख दिया था, जिससे कि वो लाल ना हो जाए। अब इनको हमने अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर डालना है। इतनी अच्छी तरह निचोड़ना है कि आलू में कोई बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले। तो ये मैंने सूखे मसाले लिए हैं, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले ये मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये मैंने इस स्पून से नाप कर लिए हैं, और साथ में ही 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर की जगह आप साबुत धनिया ले लें और उसको दरदरा सा कूट लें फिर डालें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। नमक आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है, और 1/2 टीस्पून ही भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून ये मैंने चाट मसाला लिया है, और 2 पिंच मैंने हींग ली है। और अब इनको मैं इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे मिक्स करके बैटर तैयार कर रही हूँ मंगोड़े के लिए, पर मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि मंगोड़े का जो बैटर होता है वो काफ़ी थिक ही होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया है। अब ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसे हम बिल्कुल फुल गर्म नहीं करेंगे, इसे हम मीडियम गर्म करेंगे, और गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम मंगोड़े डालेंगे। चाहे तो आप स्पून की हेल्प से डाल लें या हाथों से, जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरह से आप छोटे या बड़े जिस साइज़ के मंगोड़े तैयार करने हो उस तरह के डाल लें। और बहुत ज़्यादा ऑयल में मंगोड़े नहीं डालें, जितने ईजिली आए उतने ही डाल लें। ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम मंगोड़े डालेंगे तो वो ऊपर से एकदम ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए ऑयल हमने मीडियम ही गर्म करना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई मीडियम बीच बीच में कर सकते हैं, पर बिल्कुल फुल फ्लेम नहीं करनी है। और शुरू में 1 मिनट इनको हम हिलाएंगे नहीं। अब 1 मिनट हो गया तो इसको हम आराम आराम से हिला लेंगे। अब इस समय मैं आपको बता दूं कि जब आप मंगोड़े का बैटर तैयार करें तभी इसे साथ के साथ ही फ्राई कर लें। अगर आप थोड़े टाइम के लिए इसे रख देंगे कि या थोड़े टाइम बाद बना लेंगे, ये बैटर जो है ढीला हो सकता है, तब आप इसमें थोड़ी सी सूजी या फिर चावल का आटा मिला सकते हैं। अब देखें मंगोड़े का कलर कितना अच्छा आ गया, और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो 3-4 मिनट लगते हैं एक बार के बैच को फ्राई होने में। तो अब इनको मैं एक प्लेट पर निकाल लूँगी। अब इसी तरह से हम दूसरे बैच के मंगोड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये हमारे मंगोड़े। तो ये हमारे मूंग दाल के क्रिस्पी से मंगोड़े बनकर तैयार हो गए हैं।
इनको आप गर्मा गर्म चाय हो और साथ में हरी चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मूंग दाल के मंगोड़े जो बाहर और अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं तो खाने में दिक्कत आती है, पर ये इस तरह से नहीं बनेंगे। बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से थोड़े थोड़े सॉफ्ट होंगे। तो आप अगली बार जब भी मूंग दाल के मंगोड़े बनाएं तो इस तरह से बनाएं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।